वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शुमार ताजमहल इन दिनों खूब चर्चा में है। ताजमहल से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने ताजमहल की सिक्योरिटी, ताजमहल के आसपास खड़े होने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर हुआ कैसे। सबसे पहले तो जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल ये वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सियासत अब तक इस पर हो रही है और अब भी इस वीडियो को काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि जो दो युवक हैं वो एक पानी की बोतल लिए हुए ताजमहल की ओर जा रहे हैं, लेकिन अचानक से गुंबद के ठीक नीचे जो तहखाना है जिसमें मकबरा है उस पर ये लोग पानी की बोतल से जो पानी है वो डालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये कोई आम पानी नहीं है, ये गंगा जल है और युवकों ने कहा कि लीजिए गंगा जल हमने चढ़ा दिए शिवलिंग पर। ओम का स्टिकर भी इन लोगों ने लगाया और फिर वहां से ये रवाना हो गए। लेकिन अब ये वीडियो काफी ज्यादा सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ताजमहल में सिक्योरिटी कहाँ है, सिक्योरिटी के नाम पे क्यों नहीं है कुछ भी। हालांकि अब इस वीडियो को एक तरफ हम रखें तो ताजमहल के बारे में भी थोड़ा समझे तो ताजमहल जाने के लिए तमाम तरह की गाइडलाइंस होती है। ताजमहल में दाखिल होने के लिए CISF और ताजमहल की सिक्योरिटी के अलावा किसी के भी पास किसी भी तरह का हथियार नहीं होता है। ताजमहल के दीदार करने के लिए आप जूते तक पहनकर नहीं जा सकते हैं, आपको शू कवर दिया जाता है और गुंबद तक जब आप पहुंचेंगे तो वहां के लिए भी एक स्पेशल शू कवर होता है, आप जूते पहनकर भी नहीं जा सकते ताजमहल। इसके अलावा खाने पीने का सामान आप लेकर नहीं जा सकते, सिर्फ पानी की बोतल ही आप लेकर जा सकते हैं। और कुछ ऐसा ही इस वीडियो में भी हमने देखा, युवकों को जो पानी की बोतल लेकर जा रहे थे लेकिन उसमें था गंगा जल। हालांकि इसके अलावा ये भी मनाही है, किसी भी राष्ट्रीय प्रमुख को छोड़कर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो धर्मगुरु हो या कोई भी हो, सबकी जांच होती है। यहां तक कि ताजमहल के प्रेमिसेस में काम करने वाले जितने भी मजदूर होते हैं, जितने भी काम करने वाले लेबर्स होते हैं, उनकी भी तलाशी ली जाती है। किसी भी तरह का प्रचार वाला कोई भी सामग्री ताजमहल में लेकर जाने पर बैन है। और इसके अलावा किसी भी तरह के न्यूज चैनल या न्यूज चैनल की आईडी भी ताजमहल नहीं जा सकती है। तो समझिए कि कितनी हाई सिक्योरिटी और बाकायदा एक गाइडलाइन है ताजमहल में प्रवेश करने की, बावजूद इसके यहाँ पर इतनी बड़ी चीज हो गई है लेकिन कोई भी वहां पर अंदर मौजूद नहीं था सिक्योरिटी के लिहाज से। अब सवाल ये है कि वो ताजमहल जिसको लगातार ट्रोल किया जा रहा है, वो ताजमहल जहां पर बड़े बड़े जब अन्य देशों के भी राष्ट्रीय प्रमुख जाते हैं तो बकायदा एक प्रोटोकॉल के तहत उन्हें ताजमहल का दीदार कराया जाता है, वहां पर ये दो युवक आसानी से गए, उन्होंने गंगा जल चढ़ाया और बकायदा वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव में और हो गया हमारा काम पूरा। एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ताजमहल की सिक्योरिटी ढीली है, ताजमहल की सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो हिंदू पक्ष का कहना है कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। आपको याद होगा ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि और ताजमहल, इस पर लगातार जो है हिंदू और मुस्लिम पक्ष तरह तरह के दावे करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ताजमहल को तेजो महालय कब से कहा गया ये समझना बहुत जरूरी है। 1965 में किताब आई थी ताजमहल द ट्रू स्टोरी, जिसके बाद से ही इस किताब को पढ़ने के बाद और इस किताब में एक जो शब्द है उसका जिक्र किया था वो है तेजो महालय। ये कहा गया था कि ये ताजमहल नहीं, ये तेजो महालय है और यही है ताजमहल की ट्रू स्टोरी। हालांकि इस पर आपने कई सारी सीरीज भी देख ली होंगी, मूवीज भी कई सारी आई हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, उसमें भी आपने कुछ इसी तरह की स्टोरी देखी होगी। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग था ना कि मकबरा था, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आए हैं, केस स्टडीज आए हैं जिनमें कि ये पता चलता है कि यहाँ पर जो मुमताज है उन्होंने आखिरी सांसें नहीं ली थी बल्कि उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया था और दफनाया गया था। वहां तक भी जाएंगे लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर विवाद कब कब हुआ। 1965 की तो हमने जिक्र कर ही ली, लेकिन 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त ताजमहल को हरे रंग के चादर से ढक दिया गया था, जिसके बाद 2015 में आगरा सिविल कोर्ट में इस बात के लिए याचिका डाली गई थी कि ताजमहल को तेजो महालय के नाम से जाना जाए, तेजो महालय कह के पुकारा जाए ना कि ताजमहल करके, लेकिन वो भी मामला ऐसे ही रह गया। 2017 में जो बीजेपी के विधायक हैं संगीत सोम, उन्होंने कहा कि निर्माण गद्दारों ने किया है ताजमहल का और ऐसे में तमाम तरीके के जो दावे हैं वो किए जाते हैं आज भी ताजमहल को लेकर, लेकिन असलियत क्या है इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं।
एक और बात आपको बता देते हैं, हालांकि ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि जैसे आपने कई मसले देखे होंगे जिस पर दो पक्ष अपने अपने भगवान के होने का दावा करते हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यहाँ पर मस्जिद है तो हिंदू पक्ष कहता है कि यहाँ पर पहले मंदिर रह चुका है। हालांकि ज्ञानवापी का जो तहखाना है वो खुल गया, वहां पूजा भी शुरू होने लगी है, ये सारी बातें तो आपको पता ही है। लेकिन बात करें अगर ताजमहल की, तो उसके लिए भी ये कहा जाता है कि ताजमहल के अगर नीचे का जो तहखाना है उसको खोला जाएगा तो वहां 22 कमरे ऐसे हैं जहां पर मंदिर के आपको कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेंगे। इस तरह की बातें हिंदू पक्ष करता है। दो केसेस हैं इसमें, वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि हमने इतिहास रचा और हमें पता है कि आखिर ताजमहल है क्या, इसे किसने बनवाया और यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। तो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये शिव मंदिर है और ये तेजो महालय है, मुगलों ने इतिहास अपने हिसाब से लिखा है, ये भी कुछ लोग कहते हैं। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया या आपने आज तक सुना है, लेकिन एक बात जानना जरूरी है कि दक्षिण भारत में शाहजहां थे जब ताजमहल बन रहा था। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही मुमताज ने आखिरी सांसें ली थी, और जब मुमताज ने आखिरी सांसें ली तो उनका बेटा उनके शव को यहाँ पर लेकर आया और फिर यहाँ पर उन्हें दफनाया गया था। और ठीक उनके बगल में ही आप शाहजहां के भी कब्र को देखते हैं, यहाँ तहखाने में दोनों का ही मकबरा रखा हुआ है। लेकिन हिंदू पक्ष इसके हट के क्या दावे करता है ये भी जानना जरूरी है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ताजमहल जयपुर के राजा मान सिंह ने बनवाया था और इस ताजमहल के बदले 4 मंजिला इमारत जो शाहजहां है उन्होंने मानसिंह को दे दी थी और तब से ही ताजमहल शाहजहां का हो गया है। तो ये अपने अपने दावे अलग अलग पक्ष करते नजर आते हैं। लेकिन अगर इस वीडियो को हम देखें, जो वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वाकई में ये ताजमहल की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर देने वाला है कि आखिर यहां तक इस तरीके से, क्योंकि जो ताजमहल का एरिया है बीच का गुंबद के ठीक नीचे जहां मकबरा है, वहां किसी को भी खड़े होने की भी ज्यादा देर तक इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन इस तरह गंगा जल डालना और ओम का स्टिकर लगाना, क्या किसी की नजर नहीं पड़ी? इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये है ताजमहल का कुछ इतिहास के शब्द और कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो हमें आपको बता रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर रखें।